वीकेंड कर्फ्यू को लेकर पुलिस मुस्तैद, बगैर काम बाजार आने वालों के बनाए गए चलान। पुलिस उपाधीक्षक संजय सिंह चंपावत और थानाधिकारी राजेंद्र मीना ले रहे हैं क्षेत्र का जायजा। बांदीकुई एक बार फिर भयानक रूप में कोरोना की दस्तक और इससे बढ़ रहे संक्रमण को लेकर जहां राज्य सरकार एक के बाद एक नए निर्णय लेकर गाइडलाइन की पालना करवा रही है, जिसके चलते सरकार द्वारा 2 दिन वीकेंड कर्फ्यू लगा दिया गया है ताकि कोरोना की कड़ी को तोड़ा जा सके। इसकी अनुपालना के लिए प्रशासन मुस्तैद है, जहाँ पुलिस प्रशासन इस पर अपनी निगाह बनाए हुए। वहीं दौसा एडिशनल एसपी अनिल चौहान ने भी कल बांदीकुई का दौरा कर शहर का निरीक्षण किया था। गाइडलाइन का सख्ती से पालन कराने के लिए एसपी के आदेश पर खुद बांदीकुई थानाधिकारी इसकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं और साथ ही लोगों को समझा इस करने में जुटे हुए हैं। शहर में जहां इमरजेंसी सेवाओं के साथ साथ परचूनी की दुकानों पर चहल पहल दिखाई दे रही है, तो वहीं और प्रतिष्ठान व्यापारियों ने बंद रख रखे हैं। शहर में वीकेंड कर्फ्यू के आज दूसरे दिन भी बाजार में सन्नाटा देखने को मिला, तो वहीं कल 29 बैंक कर्मियों के साथ क्षेत्र में 53 लोगों के पॉजिटिव आने के बाद प्रशासन की भी धड़कने बड़ी हुई है। बांदीकुई से राजकुमार चतुर्वेदी की रिपोर्ट। वीकेंड कर्फ्यू को लेकर पुलिस मुस्तैद, बगैर काम बाजार आने वालों के बनाए गए चलान। पुलिस उपाधीक्षक संजय सिंह चंपावत और थानाधिकारी राजेंद्र मीना ले रहे हैं क्षेत्र का जायजा। बांदीकुई एक बार फिर भयानक रूप में कोरोना की दस्तक और इससे बढ़ रहे संक्रमण को लेकर जहां राज्य सरकार एक के बाद एक नए निर्णय लेकर गाइडलाइन की पालना करवा रही है, जिसके चलते सरकार द्वारा 2 दिन वीकेंड कर्फ्यू लगा दिया गया है ताकि कोरोना की कड़ी को तोड़ा जा सके। इसकी अनुपालना के लिए प्रशासन मुस्तैद है, जहां पुलिस प्रशासन इस पर अपनी निगाह बनाए हुए। वहीं दौसा एडिशनल एसपी अनिल चौहान ने भी कल बांदीकुई का दौरा कर शहर का निरीक्षण किया था। गाइडलाइन का सख्ती से पालन कराने के लिए एसपी के आदेश पर खुद बांदीकुई थानाधिकारी इसकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं और साथ ही लोगों को समझा इस करने में जुटे हुए हैं। शहर में जहां इमरजेंसी सेवाओं के साथ साथ परचूनी की दुकानों पर चहल पहल दिखाई दे रही है, तो वहीं और प्रतिष्ठान